हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल के होने वाले आज के मुकाबले की। ये जो मुकाबला है चेन्नई और दिल्ली के बीच में खेला जाने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चेन्नई का ये तीसरा मुकाबला है टूर्नामेंट का, दिल्ली का ये दूसरा मुकाबला है। चेन्नई अभी तक एक मुकाबला जीती है और एक हारी है। कंसिस्टेंसी अगर आप देखो तो भैया कंसिस्टेंसी फाफ डुप्लेसी के पास है। बहुत बढ़िया तरीके से दोनों ही मुकाबलों में बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली है। और दिल्ली की अगर आप बात करो, पहला ही मुकाबला सुपर ओवर में गया और आराम से जीत कर आए। सुपर ओवर आराम से जीत कर आए। मुकाबला अगर आप नॉर्मल देखोगे तो भैया बहुत ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर था, क्योंकि ज़्यादा रन्स बचे नहीं थे, पर मार्कस स्टोइनिस का दिन था ऐसा समझ सकते हो आप, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने पहले 52 रन्स बनाए। इतने रन्स बना दिए मार्कस स्टोइनिस ने कि दिल्ली डिफेंड कर सके, दिल्ली के बॉलर्स के पास कुछ हो। फिर उसके बाद वहाँ पर आखिरी में आकर दो विकेट जो छटकाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कस स्टोइनिस की। तो पूरी की पूरी अभी हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लेंगे कौन से प्लेयर बढ़िया हैं कौन से नहीं। मेन आज ये है कि भैया पावर प्ले में कौन से प्लेयर्स ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इस ग्राउंड पर अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं और उसमें देखो तो 2 बार जो है चेस करते हुए टीम हारी है और 1 बार यहाँ पर चेज करते हुए टीम जीती है। तो ये आपको देख के चलना है, चेजिंग इस ग्राउंड के ऊपर इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी आपको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि देखो कल भी जो मैच हुआ वो किंग्स एंड पंजाब ने आराम से डिफेंड कर लिया। और स्टार्टिंग के मैचेस मतलब जो जोन सी टीम पहले बैटिंग करेगी ना उसके पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वो मैं अभी आपको सारी की सारी डिटेल बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखो भैया आराम से लीग्स ज्वाइन कर सकते हो, कभी कभार तो भर्ती भी नहीं है। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा माई टीम 11 का। विड्रॉल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, 200% जेन्युइन ऐप है। ड्रीम इलेवन के बाद दूसरे नंबर की ऐप है जो मतलब फैंटेसी क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पर है माई टीम 11। और बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर विनिंग कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो भैया 13-13, और अगर आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करते हैं, देखो ये जो डिस्काउंट चल रहा है ना, ऐसे डिस्काउंट आपको थोड़ी देर में ना मतलब अगर लीग नहीं ज्वाइन अगर लीग्स नहीं भरती हैं तो आपको यहाँ पर 35 या 37 और उसके बाद आप जो बोनस मनी आपको मिलता है 100 रुपये आपको बोनस मनी मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करते हो जो है एक्सपर्ट 11। तो अगर आप उसी से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर देखो 37 की है ना, 37 की दो टीम लगा सकते हो, 45 की दो टीम लगा सकते हो, बोनस मनी से ही लगा सकते हो। और यहां पर अगर मैं बात करूं 1 लाख का जो है ये 13 रुपये की, तो 13 रुपये की आप देख सकते हो भैया कितनी लीग्स लगा सकते हो, 7 से 8 आप आराम से टीम्स लगा सकते हो यहाँ पर। और ये सारे के सारे कंफर्म कॉन्टेस्ट हैं, ये कोई भी कॉन्टेस्ट वो नहीं है कि भैया भरेगा नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, सारे के सारे कंफर्म है। और यहाँ पर आप लीडर बोर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब तो इन्हें ये भी बढ़ा दिया है प्राइस मनी भी, पहले 1 करोड़ था फिर 1.5 करोड़ करा, अब 2 करोड़ कर दिया गया है। तो आप सारी की सारी आपको जो टीम्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर वीडियो शुरू कर लेते हैं, 7वां मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा चेन्नई और दिल्ली के बीच में। यहाँ पर दुबई के स्टेडियम में मैच होने वाला है, सेमी पिच यूज़ हो रही है। तो अब जो है सेकेंड इनिंग में वैसे भी स्पिनर्स को बहुत मदद मिल रही है, और इसके बाद मतलब ये चौथा मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर, तो अब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग तो यही चाहेगी कि देखो भैया हम करेंगे बॉलिंग, वही वाला हिसाब है, बॉलिंग पहले करो, ड्यू आएगी, ड्यू का थोड़ा सा फ़ायदा उठाओ। पर इतना फ़ायदा नहीं है अब ड्यू का, क्योंकि कल आपने देखा आरसीबी जैसे होती थी वैसे ही उन्होंने दिखाया कि हम ऐसे ही थे। पहला मैच मतलब पता नहीं क्या हो गया, वो पहले मैच में जीत गए पर दूसरा मतलब फिर वही वाली बात भैया, फुल फ्लॉप आरसीबी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे पास तो सीएसके दूसरा मुकाबला देखो 200 रन्स बना लिए थे, 216 थे, 16 रन से हारे, पर बहुत बढ़िया सीएसके की बॉलिंग प्लस बैटिंग बहुत बढ़िया है। एक जो कमज़ोर कड़ी है वो है पीयूष चावला, क्योंकि पीयूष चावला को रन्स बहुत पड़ रहे हैं, विकेट कम ले रहे हैं पीयूष चावला। और पीयूष चावला वैसे जाने भी इसीलिए जाते हैं कि भैया वो फ्लाइटी डिलीवरी करवाएंगे, 6 के ऊपर प्लेयर जाएगा प्लस 7 में आकर जब 6 मारेगा तो मिस हिट हो जाए और वहाँ पर बाउंड्रीज पे कैच हो जाए, पर अगर हिटिंग बढ़िया हो गई तो भैया वो सीधा ना 6 जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीएसके की, तो वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ दिन से ना वही वाली बात है यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर अभी तक आपने माई टीम 11 की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एक्सपर्ट 11, अगर आप रेफरल कोड डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 100 रुपये बोनस। और बहुत जल्दी गिव अवे रखने वाला हूँ मैं इस ऐप के ऊपर, तो गिव अवे में वही प्लेयर्स पार्ट ले सकते हैं जिन्होंने मेरा रेफरल कोड यूज़ करा होगा। यहाँ पर अगर आप देखो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, बोनस यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं तो
कोई भी दिक्कत आ रही हो माई टीम इलेवन में, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आपको मतलब कमेंट सेक्शन में आकर बता दो, प्लस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर आप जाकर जुड़ जाओ, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। यहां पर पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्टिंग वन है, और यहां पर अगर आप देखो तो बिग स्कोर आपको देखने को मिल सकते हैं, पर स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है पिच। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 160 रन है जो पिछले दो मैचेज यहाँ पर हुए, अब लास्ट तीन मैचेज जो दुबई में हुए उसमें आप देखो भैया, पावर प्ले की बात मैं कर रहा हूँ, पावर प्ले में ज़्यादा फोकस करना, डीसी का जो मैच हुआ था ना, दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने 23 रन करे थे और 3 विकेट्स खोई थी अपनी पावर प्ले में। पावर प्ले इतना बढ़िया नहीं रहा था, आखिरी में आके मार्कस स्टोइनिस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था बस। किंग्स इलेवन पंजाब 35 पे 3, और यहाँ पर अगर आप देखो पहले मैच में विकेट्स गिरी हैं, दूसरे मैच में आरसीबी एक भी विकेट नहीं गिरी पावर प्ले में, और आराम से जो है यहाँ पर डिफेंड कर दिया इन्होंने रन्स, और यहाँ पर भी डीसी ने भी डिफेंड ही कर लिया समझ लो, क्योंकि भैया सुपर ओवर में गया तो वो जीती तो डीसी ही थी। अब यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने भी डिफेंड कर लिए रन्स, मेन बात ये है कि डिफेंडिंग बहुत बढ़िया रह रही है, चेजिंग इतनी बढ़िया नहीं है यहाँ पर इस पिच के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किंग्स एंड पंजाब की भी एक भी विकेट नहीं गिरी है, तो ये अगर आप देखो ना, ये वाला मैच छोड़ दो डीसी का, ये दोनों मैचेस देखोगे तो आराम से आपको पता लग जाएगा कि भैया विकेट नहीं गिर रही है, और जब गिर रही है तो बहुत ज़्यादा गिर रही है। सेकंड इनिंग में तो आपको गिरती हुई दिखेगी ही दिखेगी, तो जोन से भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रही है, उसके एक आधे ओपनर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि भैया आप ये देख सकते हो कि सेकेंड इनिंग में ना विकेट्स गिरी रही है पावर प्ले में, एक विकेट मतलब एक ओपनर तो आउट होगा ही होगा, ये आपको देख के चलना है। अगर सीएसके सेकेंड बैटिंग करती है तो शेन वॉटसन ड्रॉप हो सकता है, अगर डीसी पहले बैटिंग करती है तो इनका एक ओपनर ड्रॉप हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब ये भी बात नहीं है कि भैया हर एक मैच में गिरेगी गिरेगी, हर एक मैच में नहीं ही गिरेगी, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएसके की अगर मैं बात करूँ, सीएसके और डीसी की जो हेड टू हेड हुए हैं, 21 मैचेस खेले हैं उसमें 15 जो है सीएसके जीती है, 6 जो है यहाँ पर डीसी जीती है, 18 मैचेस इंडिया में हुए हैं, 13 जो है डीसी जीती है, उसमें 5 जो है दिल्ली जीती है। इसके बाद यूएई में एक मुकाबला हुआ था 2014 में, उसमें जो जीती थी वो सीएसके जीती थी। अब सीएसके का एवरेज स्कोर अगर आप देख लो डीसी के खिलाफ 162 रन, बहुत ज़्यादा है, और डीसी की अगर मैं बात करूँ तो 143 रन। पर डीसी अगर आप देखो तो बढ़िया मुझे लगी मार्कस स्टोइनिस की परफॉर्मेंस, मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत इम्पैक्टफुल लगी, और यहाँ पर इनके बॉलर्स ने भी बढ़िया परफॉर्म करा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीएसके की, तो 529 रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने, सॉरी एमएस धोनी ने डीसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन। अब यहाँ पर ऋषभ पंत ने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं सीएसके के लिए, वो 185 है, मतलब मैक्सिमम इसी ने बनाया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेन ब्रावो 13 विकेट, और यहाँ पर अमित मिश्रा ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, और अमित मिश्रा बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे देगा अगर ये खेलता है तो। कैचेस की अगर आप बात करो, शिखर धवन ने बहुत ज़्यादा कैचेस पकड़े हैं, 4 कैचेस पकड़े हैं डीसी के लिए, और यहाँ पर डेन ब्रावो वैसे देखो खेल नहीं रहा है, पर वही वाली बात है, इसने विकेट भी बहुत ज़्यादा चटकाई और यहाँ पर कैचेस भी बहुत ज़्यादा पकड़े हैं अगेंस्ट डीसी। अब रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग अगर आप देखो, चेस करते हुए एक बार जो है मैच टीम हारी है, और एक बार जो है यहाँ पर टाई हुआ है, दो बार हारी है और एक बार टाई हुआ है, तो चेज इतना बढ़िया नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास इंजरी अपडेट, तो अंबैती रेडू को हैमस्ट्रेन इंजरी है, तो उस वजह से वो खेलेगा नहीं, और डेन ब्रावो सेलेक्शन में आ सकता है, तो ये आपको देख के चलना है, डेन ब्रावो शायद आ जाए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रविचंद्रन अश्विन, तो रविचंद्रन अश्विन भी नहीं खेलेगा, क्योंकि जो शोल्डर है ना वो डिसलोकेट हो गया पिछले मैच में ना, जब इसने विकेट चटकाई थी तो उसके बाद सेलिब्रेशन करी, और सेलिब्रेशन के बाद जो है डिसलोकेट कर लिया अपना शोल्डर। ईशांत शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी भैया इंजरी की वजह से यहाँ पर रूल आउट हो चुके हैं। तो ये 3 बिग न्यूज़ हैं आपके लिए, अंबैती रेडू नहीं खेलेगा, रवि अश्विन नहीं खेलेगा, और यहाँ पर ईशांत शर्मा नहीं खेलेगा। यहाँ पर सीएसके की अगर मैं बात करूँ, दो मुकाबले हुए और दोनों मुकाबले में बहुत इंपैक्टफुल मुझे इनिंग लगी दोनों की। यहाँ पर शेन वॉटसन अगेंस्ट दिस टीम मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मुरली विजय 21 रन इसने करे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिछले मुकाबले, दोनों मुकाबले में फाफ डू प्लेसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, 58 और 72। सैम कुरान 18 रन के साथ 1 विकेट, 17 रन के साथ 3 विकेट। सैम कुरान अब एक इम्पैक्टफुल प्लेयर बन गया है सीएसके के लिए, और एक इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि दोनों ही मैचेस में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बॉलिंग प्लस बैटिंग से। अब यहाँ पर आर गायकवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो 0 रन इसने करे हैं। केदार जाधव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 22 रन इसने करे हैं, और एमएस धोनी की बात अगर मैं करूँ तो 29 रन इसने करे हैं पिछले मुकाबले में। रविंद्र जडेजा ने जो है यहाँ पर 10 रन के साथ 2 विकेट करी हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लुंगी एंगिडी आपके पास हैं, 3 विकेट इसने चटकाई हैं, 1 विकेट 3 और मतलब 4 विकेट इसने चटकाई हैं। दीपक चहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 विकेट पिछले मुकाबले में, और 1 विकेट
और चटकाई है इसने। पीयूष चावला रन्स बहुत ज़्यादा खा रहा है पर यहाँ पर विकेट्स नहीं चटका पा रहा है, मेन दिक्कत ये है। पीयूष चावला अगर आप चाहो तो देखो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल ग्रैंड लीग में तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप स्मॉल ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में ट्राई करो इसे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दीपक चहर आपके पास एक इंपॉर्टेंट पिक है, दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है प्लस साथ में बॉल यहाँ पर स्विंग भी हो रही है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर दीपक चहर को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। सैम कुराना आपके पास है, बीच के ओवर में भी आ रहा है प्लेयर और बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है। लुंगी एंगिडी की अगर मैं बात करूँ 3 विकेट पहले मुकाबले में, 1 विकेट दूसरे मुकाबले में, उसके बाद पीयूष चावला आपके पास है, रन्स बहुत ज़्यादा खाए हैं भैया पीयूष चावला ने, फ्लाइटेड डिलीवरी बहुत ज़्यादा करी है और फ्लाइटेड डिलीवरी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रही है। उसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा, पिछले मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई, 2 विकेट पहले मुकाबले में चटकाई। अब चेन्नई सुपर किंग के सारे स्टैट देखना चाहो तो हर एक आएगा वो तो आपको बताइए, सेम प्लेइंग 11 चेंज हो सकता है कि अगर पीयूष चावला की जगह कोई और प्लेयर आ जाए तो वो पता नहीं, पर बहुत कम चांसेस हैं अभी के लिए कि पीयूष चावला भी चेंज होगा। करण शर्मा ने MS धोनी ने करण शर्मा को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ करा है पिछले कुछ मैचेस में। DC की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी शॉ 5 रन और शिखर धवन 0 रन, ये दोनों के दोनों प्लेयर नहीं चले। यहाँ पर जो चले हैं ना वो चले शेयस अय्यर, फिर उसके बाद ऋषभ पंत और यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, पर यहाँ पर आपको शिखर धवन बढ़िया करता हुआ दिख सकता है आज के मैच में, तो शिखर धवन आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अक्षय पटेल आपके पास है 6 रन के साथ 1 विकेट, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन आपके पास है 4 रन के साथ 2 विकेट। अब रविचंद्रन अश्विन तो खेलेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो इसकी जगह कोई और प्लेयर खेलेगा और वो एक स्पिनर ही होने वाला है, तो स्पिनर कौन होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ भैया। कीमो पॉल तो नहीं, बड़े पर संदीप लमीचाने अगर अवेलेबल होंगे तो लमीचाने आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, नहीं तो अवेश खान आपको खेलता हुआ दिख जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है अमित मिश्रा अंदर आएगा, अमित मिश्रा अंदर आएगा बहुत बढ़िया पिक है, अमित मिश्रा सीधा अपनी टीम में लूंगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे पास कजीसो रबाडा है, 2 विकेट इसने झटकाया, सुपर ओवर में आपको पता कितना बढ़िया परफॉर्म करा वहाँ पर भी 2 विकेट इसने झटकाई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे पास नॉटिंजे हैं, इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। मोहित शर्मा ने 1 विकेट चटकाई, दुबई की पिच से बहुत बढ़िया सूटेबल है, 2014 में भी इसने मैचेस खेले थे और वहाँ पर भी इसने 6 ओवर में 3 विकेट चटकाई थी, तो आप मान के चलो कि मोहित शर्मा एक इंपॉर्टेंट पिक है इस टीम के लिए। नीचे आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हो, नीचे यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया सारे के सारे हर एक प्लेयर के स्टैट देख सकते हो, तो यहाँ पर अभी जो हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। हम टीम की बात करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक माई टीम 11 ऐप डाउनलोड नहीं करी है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है, एक्सपर्ट 11 रेफरल कोड डालना है, 100 रुपये बोनस मिलेगा और उसी बोनस से ना आप जो लीग ज्वाइन कर सकते हो आराम से, कोई भी स्टार्टिंग में मनी मतलब अपना पैसा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लीग ज्वाइन कर सकते हो और अगर वहाँ पे विन हो गया तो देखो उसी पैसे को दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो अभी के लिए 0 इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे पास MS धोनी एक इंपॉर्टेंट पिक है और पंत, अब अगर देखो मैंने आपको अभी दिखाया हेड टू हेड में MS धोनी और खिलाफ DC के बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, 500 प्लस रन मार चुके हैं, तो उस हिसाब से आप इस प्लेयर को ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बहुत एक इंपॉर्टेंट पिक है। पर चांसेस ये भी हैं कि भैया शायद MS धोनी की बैटिंग ही ना आए, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, पर मैं इतना रिस्क लूँगा MS धोनी के साथ। ऋषभ पंत इज़ अ गुड चॉइस, पर मुझे लगता है MS धोनी की कैप्टेंसी के खिलाफ और उनकी जो स्ट्रेटजी होने वाली है ना उसके खिलाफ ऋषभ पंत को चलने देंगे MS धोनी, तो ये आपको देख के चलना है। शायद ऋषभ पंत ना बढ़िया परफॉर्म कर पाए, पर पिछले मैच में इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, तो अगर आप चाहो ले सकते हो। अभी हम देख लेते हैं अगले जो सिलेक्शन है उसके बाद हम देखते हैं क्या चलता क्या नहीं। शिखर धवन पिछले मैच में रन आउट हुआ अनफॉर्चुनेट, पर वही वाली बात है क्या बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा देखते हैं, पर आज के मैच में शायद इतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए। यहाँ पर शेन वॉटसन हमारे पास है, फाफ डुप्लेसी एक इंपॉर्टेंट पिक और यहाँ पर शेयस अय्यर एक इंपॉर्टेंट पिक, दोनों के दोनों प्लेयर बढ़िया हैं। यहाँ पर आज का जो ट्रिविया है उसकी अगर मैं बात करूँ, शेयस अय्यर कितने रन्स मारने वाला है #SNFamily और उसके बाद जो है यहाँ पर शेयस अय्यर के रन्स प्लस बॉल्स कितनी बॉल में कितने रन मारने वाला, नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो पेटीएम कैश उस बंदे को जो प्लेयर भैया बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर प्रिडिक्शन करने वाला है। थोड़ी सी मुश्किल होती है प्रिडिक्शन करना, पर 2-3 मैच में मैंने देखा कि भैया बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक बॉल रह गई थी या तो एक रन रह गया था, इतने क्लोज थे आप सब, तो वो आपको देख के चलना, बस एक एक रन बढ़ा लो और उसके बाद जो है यहाँ पर पेटीएम कैश ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पृथ्वी शॉ आपके पास है, केदार जाधव आपके पास है, केदार जाधव के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई है क्योंकि अंबाती रेडू नहीं खेल रहा है, तो उस वजह से केदार जाधव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर बैटिंग करता हुआ दिख जाएगा। मुरली विजय आपके पास है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अभी के लिए जो मैं लेकर जा रहा हूँ वो शिखर धवन के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो तो देखो भैया शेन वॉटसन भी पिक कर सकते हो,
आपके ऊपर है, मैं शिखर धवन के साथ जा रहा हूँ। मैं बाद में जो एक टीम चेंज भी कर सकता हूँ, जो अपडेटेड टीम है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास डीजे ब्रावो शायद खेल जाए आज का मैच, अगर खेलते हैं ना तो बहुत बढ़िया पिक है। यहाँ पर सैम कुरान, मार्कस ट्रॉइनस, रविंदर जडेजा, तीनों प्लेयर बढ़िया हैं। यहाँ पर अगर आप देखो अक्षर पटेल भी पिक कर सकते हो, अक्षर पटेल इज़ अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि बॉलिंग भी करवा के देगा और बैटिंग भी करवा के देगा, और ये मान के चलो कि अक्षर पटेल की बैटिंग आएगी ही आएगी आज के मैच में। यहाँ पर कजिसो रबाडा आपके पास है, एक इंपॉर्टेंट पिक दिल्ली के लिए, और यहाँ पर दीपक चहर और पर लुंगी एंगिडी, ये तीनों प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पिनर की बात रह गई भैया, स्पिनर तो आपने पिक ही नहीं करा, स्पिनर जो मेरा रहेगा वो अमित मिश्रा। अब यहाँ पर स्पिनर्स देख लो मेरे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पर रविंद्र जडेजा एक स्पिनर, और यहाँ पर अमित मिश्रा यहाँ से स्पिनर हो गए, दोनों के दोनों स्पिनर, और यहाँ पर आपको और कोई स्पिनर नहीं देखने को मिलेगा। तो अब अगर आपको स्पिनर भी पिक करने हैं ना, तो आपको थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी टीम। दीपक चहर ड्रॉप करो या तो लुंगी एंगिडी ड्रॉप करो, जिसमें से आपको जोन सा बढ़िया लगे। टॉस के बाद ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करने वाली है ना, उसके स्पिनर ज़्यादा हो हमारी टीम में, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी के लिए स्टेबल टीम है, स्मॉल लीग में लेकर जा सकते हो, अभी के लिए लीग ज्वाइन कर लो। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैप्टन जो है मेरा फाफ डुप्लेसी रहेगा, वाइस कैप्टन यहाँ पर जो है सैम कुरान आप रख सकते हो, मार्कस ट्रॉइनस रख सकते हो, पर मैं थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर श्रेयस अय्यर को रख रहा हूँ एज अ वाइस कैप्टन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो पहली टीम यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला था वो ये है। कैप्टन जो है यहाँ पर वॉटसन है, वाइस कैप्टन यहाँ पर शिखर धवन है, स्मॉल गेंड लीग की टीम है, ऋषभ पंत है, फाफ डुप्लेसी है, श्रेयस अय्यर, सैम कुरान, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, दीपक चहर नॉट इंजर्ड, और यहाँ पर कजिसो रबाडा। पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी स्मॉल गेंड लीग में। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कैप्टन हमारे पास फाफ डुप्लेसी है, वाइस कैप्टन यहाँ पर जो मार्कस ट्रॉइनस है, पंत हमारे पास है, फिर उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी शॉ है, सही सही है, वॉटसन आपके पास है, रविंद्र जडेजा, सैम कुरान, फिर उसके बाद अमित मिश्रा आपके पास है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कजिसो रबाडा, और यहाँ पर जो है दीपक चहर है। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, देख सकते हो, क्योंकि एक कंप्लेंट आई थी कि आपको जो नीचे ये है ना, ये दिखाई नहीं देता, प्लेयर्स दिखाई नहीं देते आखिरी के, तो ये आपको प्लेयर दिखा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगली टीम की, तो अगली टीम हमारे पास जो कैप्टन है उसमें अगर मैं बात करूँ, ग्रैंड लीग की टीम है, और प्योरली यहाँ पर भी ट्राई करना चाहो, यहाँ पर भी कर सकते हो, ड्रीम इलेवन पर भी करना चाहो वहाँ पर भी कर सकते हो। सेम टीम, शिखर धवन एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मार्कस ट्रॉइनस, पृथ्वी शॉ, फिर यहाँ पर पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ, पीयूष चावला है, दीपक चहर है, फिर उसके बाद कजिसो रबाडा है, फिर उसके बाद यहाँ पर फाफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन, पंत आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, तीसरी टीम तो वैसे ही मैं आपको इसके दिखाई चुका हूँ, अभी एक बार और दिखा दूंगा। यहाँ पर अगर मैं ग्रैंड लीग की टीम की बात करूँ, तो यहाँ पर पंत एज अ कैप्टन रखे हैं, एमएस धोनी भी रखे हुए हैं, फिर उसके बाद धवन है, अय्यर हैं, फिर उसके बाद फाफ डुप्लेसी, अक्षर पटेल, जडेजा वाइस कैप्टन, यहाँ पर सैम कुरान है, फिर उसके बाद रबाडा हमारे पास है, पीयूष चावला है, और यहाँ पर लुंगी एंगिडी। पीयूष चावला मैं आखिरी टाइम पे शायद ड्रॉप भी कर जाऊँ, तो अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, माई टीम इलेवन की, तो यहाँ पर आप ही के सामने टीम बनाई है, फाफ डुप्लेसी कैप्टन थे, और यहाँ पर शेही से वाइस कैप्टन थे। माई टीम इलेवन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइन अप बोनस से ही आप जो यहाँ पर लीग ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, और बहुत ही जल्दी गिव अवे मैं रखने वाला हूँ एक्सपर्ट फैमिली के लिए, तो वो अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको देखो रेफरल कोड मेरा डालना ही पड़ेगा, उन्हीं प्लेयर्स के लिए होगा जिनने मेरा रेफरल कोड डाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।